पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोधा के तत्वाधान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई महासचिव अर्जुन दत्ता मेघे के जनसंपर्क कार्यालय और देवेंद्र आरोग्य फ्री हॉस्पिटल का उद्घाटन मंगल प्रभात लोधा के हाथों फीता काटकर किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह तिवाना, विक्रांत पाटिल, सनी सनब जिला अध्यक्ष, शुभम लोखंडे जिला सचिव, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभाग के अनेक नागरिकों ने अर्जुन मेघे को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान आए हुए लोगों का अर्जुन मेघे ने शॉल और फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही मंगल प्रभात लोधा, तेजिंदर सिंह दीवाना और बड़ी संख्या में उपस्थित वर्लीकरों के बीज केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन। काफी अच्छी माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं और उन्होंने ये लाइट एंड साउंड शो का आइडिया दिया था जो हमने कल उनके हाथ से उद्घाटन हुआ और आज एक चौकी के ऊपर आज छक्का अर्जुन ने मारा है। बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक लोगों की सेवा के लिए जन सेवा केंद्र, भाजपा का कार्यालय तो है ही पर उससे ज़्यादा ये जनता की सेवा का काम करेगा। हमारी युवा मोर्चे के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह जी तवाना यहाँ पर हैं, संतोष पांडे जी हैं, सारे कार्यकर्ता हैं और जनता है। अर्जुन बहुत मेहनती लड़का है, युवा है, आगे बहुत अच्छा उसका भविष्य है और उसके परिवार की बहुत बड़ी विरासत है समाज सेवा की। मैं यहाँ पर अर्जुन और उसके सारे मित्रों को बहुत बहुत शुभेच्छा देने को आया हूँ। यह एक आदर्श जन सेवा कार्यालय बनकर मुंबईकरों की सेवा करें, यही बहुत बहुत शुभेच्छा आज यहाँ पर सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से मैं हूँ। देखिए, सही मायने में देखूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितनी उत्साह है उससे भी ज़्यादा उत्साह ये वर्लीकरों के अंदर है, क्योंकि अर्जुन मेघे जी ये सिर्फ एक नाम नहीं है लेकिन वर्लीकरों के दिलों में बसा हुआ एक इंसान है जो हर वर्ग के लोगों के लिए, खास करके वर्ली के रहवासियों के लिए, चाहे कोई उपक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से या स्वयं उनके तकलीफों में, दुख दर्द में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो वर्लीकरों के लिए अर्जुन मेघे नाम कहलाता है। ये सच्चाई है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर आज वर्ली में ये भव्य भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का एक कार्यालय जहाँ पर अर्जुन मेघे जी बैठकर सभी वर्लीकरों के सुख दुख के साक्षीदार हो गए और उनके कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, उनके लिए मदद करेंगे, ऐसा कार्यालय आज यहाँ पर उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको दिल से मन से शुभेच्छा देता हूँ और उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद उन पर बना रहे, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, यही मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। मुस्लिम इलाके में उन्हें कैसे रिझाएंगे, उन्हें कैसे ले जाएंगे? नहीं, मैं अगर सच बोलूँ तो जब देश के पंत प्रधान देश के लिए कोई भी एक स्कीम निकालते हैं आम जनता के लिए या कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं जिससे लोगों को लाभ हो तो उसमें कभी जात पात नहीं देखा जाता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो देश का एक सदस्य, एक नागरिक है तो ये स्कीम उसको भी लागू होती है। तो उसी तरीके से वर्ली में भी या पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र में हम इस तरीके से कभी नहीं देखते कि मुस्लिम बहुमल है या यह है, हमको जो काम कर रहा है हम हिंदू का भी करेंगे, मुस्लिम का भी करेंगे, ईसाई का भी करेंगे, सिख का भी करेंगे। ये उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरते हैं और वर्ली में भी आपको ऐसे ही दिखेगा जहाँ पर हमारे पास कोई भी समाज के लोग, कोई भी धर्म के लोग आए उस सब का कार्य करने की जवाबदारी हमारी है और ये हमने हमारे नेताओं से सीखा है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें यही सिखाया है। अर्जुन जी, आपने कहा कि जब कोई भी समस्या होती है वो आप तक पहुंच के एक छोटा व्यक्ति भी अपनी इस बात बता सकता है, तो ऐसा कभी कुछ हुआ है कि कोई आकर अपनी बात आप तक लेकर आ और आप उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया हो? मैडम, ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे तेजू भाई ने भी बोला कि हमारा सेकंड में हमने कार्यालय खोला है, पहले जो कार्यालय था बीडी चाल में था वो डेवलपमेंट के इसमें वो कार्यालय बंद हो गया था। वो टाइम पे भी लोग हमारे पास रोज़ आते थे, सैकड़ों लोग, दिन में 50-60-100 लोग भी कभी कभी आके उनके जो भी डेली इश्यूज़ है वो हमें बताते थे, बीएमसी का काम हो, पीडब्ल्यूडी का काम हो, ऐसे जो भी इश्यूज़ रहते थे, सरकारी काम रहेगा,
वो सब काम के हम लोन लेते थे और उसके फॉलोअप्स हम करते थे और उनका बहुत लोगों का वैसे हमने काम किया है, जैसे लादीकरण बहुत जगह पे था, उनके गटर के पाइप्स टूटे थे, मॉनसून के टाइम पे फ्लडिंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे कचरा साफ करने का काम होता था, और ऐसे बहुत सारे हमने लोगों के काम भी किए। जैसे ऑफिस ओपनिंग का आपने डिसीजन किया तो क्यों सोचा कि जन्मदिन पे मुझे ऑफिस ओपनिंग करनी चाहिए? तो आज सबसे पहले धन्यवाद कि आज आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, क्योंकि वर्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस पिछले महीने ऑलरेडी खुला है, और आज हमने वर्ली सी फेस पे ये ऑफिस मेरे जन्मदिन पे इसलिए खोला क्योंकि एक अच्छा अवसर है, और तो हमने सोचा कि जन्मदिन के निमित्त हमने ऑफिस ओपनिंग का एक निर्णय लिया था, तो ऐसा कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है, पर एक अच्छा टाइम है, लोग खुश है, मैं भी खुश हूँ कि एक और साल मुझे लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिला, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे भेंट देने के लिए भी आए हैं, तो उसी अवसर के इससे हमने ऑफिस